आज रात के मतलब सुबह के 2 बजे अपनी नींद को तोड़कर और इनकी नींद के भी होश उड़ाकर मैं सटफट जल्दी से नहाता हूँ, क्योंकि हमें अभी ग्वालियर के लिए निकलना है। क्यों? क्योंकि प्रीति दीदी का वहाँ पे एग्जाम है। तो जाने से पहले और सुबह कार्य करने से पहले दही खाना इज मैंडेटरी और बड़ों का आशीर्वाद लेना मानो स्वर्ग में पहुंचना। तो जी वेगन सॉरी वेगनार को भी होश में लाता हूं और चलने के लिए तैयार होता हूं, मगर बारिश हो रही है बहुत भयंकर, जिसके चलते सरकार की नजरों से चूकी हुई इस रोड की हालत ऑफ रोडिंग करने लायक हो जाती है। फिर क्या, ऑन रोड पे आते ही हम 4:30 बजे के करीब ग्वालियर में प्रवेश कर जाते हैं और जल्दी से फिर हम एग्जाम सेंटर पर भी पहुंच जाते हैं, मगर वहां पहुंचते ही बड़ी तेज बारिश होने लग जाती है, तो हम चाय पीकर उस बारिश का आनंद दुगना कर देते हैं। फिर टाइम होते दीदी अपना एग्जाम देने निकल जाती हैं। घबराइए मत, वैसे भूख से व्याकुल होकर जिद कर रहे हैं कुछ खाने की। तो मैंने काफी सुना है कि ग्वालियर की कचौड़ियां बहुत फेमस हैं, तो हम इन्हीं फेमस कचौड़ी को खाने के लिए पैक कराते हैं और वापस एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, जहां पर इस मस्त बारिश के साथ कचौड़ियों का आनंद लेते हैं। और मुझे माफ करना ग्वालियर वालों, मुझे ये आगरा की कचौड़ियों के आगे बहुत ज्यादा फीकी लगी। फिर क्या, दीदी के एग्जाम खत्म होती है, वापस घर के लिए निकल लेते हैं, मगर जैसा कि दोपहर हो गई है सबको भूख लगी है तो हम कुछ खाने के लिए रुक जाते हैं। और सच बताऊं तो हम सबका यहां पे आने का रीजन था कि हम जाकर जयविलास पैलेस देख जाएं, मगर खराब मौसम होने की वजह से हम उसको नहीं देख पाते।